हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का हमारा वीडियो का सब्जेक्ट है गिव वैक्सीनेशन ऑफ न्यू जॉइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमारे साथ में एसोसिएट होने वाले नया डिस्ट्रीब्यूटर को टीकाकरण देना है। टीकाकरण उन्हें क्यों देना है और कैसे देना है, इस सब्जेक्ट के ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार, यू आर वॉचिंग सेव लाइफ चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझना है हम वैक्सीनेशन किसको देते हैं और क्यों देते हैं। हम वैक्सीनेशन न्यू बॉर्न चाइल्ड को देते हैं और उनको आगे होने वाले बीमारियों से एडवांस में उनको प्रोटेक्शन का इंजेक्शन देना, इसको कहते हैं वैक्सीनेशन। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी एसोसिएट होने वाला न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को वैक्सीनेशन देना जरूरी है। वैक्सीनेशन मींस एंटीवायरस। हम हमारा सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस एडवांस में डालते हैं। उसी प्रकार से मार्केट का वायरस से हमारा नया डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस या वैक्सीनेशन देना जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने वाले लोगों को अटैक करने के लिए मार्केट में बहुत बड़े बड़े अलग अलग प्रकार की बहुत सारे वायरस इंतजार कर रहा है और इन वायरसों की अटैक नया लोगों में जल्दी उसका दुष्परिणाम दिखाई देती है। उनकी अटैक कुछ इस प्रकार से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत किया है, ये बात, ये वायरस लोगों को किसी ना किसी रूप से जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि इस मामले में इनका एंटीना बहुत स्ट्रांग रहते हैं। उसके बाद वो आपको ढूंढ के आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को प्रेजेंटेशन देना है तो हमें उनको ढूंढ के जाना पड़ेगा, लेकिन ये वायरस लोग अटैक करने के लिए खुद ढूंढ के आ जाएंगे और आके आपके सामने बैठ के और आपको सलाह देना चालू करेंगे कुछ इस प्रकार से। अरे तुम भी ये काम, अरे तुझे क्या कमी था रे भाई साहब, अरे चालू करने से पहले मुझसे पूछा होता, अगर मुझसे पूछा होता तेरा पैसा तो बच जाता था। अरे अभी तेरे साथ में क्या क्या होने वाला है भगवान ही जाने। अरे बाप रे, तूने क्या कर डाला रे भाई। इस प्रकार के बातें करके ये लोग हमारा नया डिस्ट्रीब्यूटर को नेगेटिव कर डालते हैं और इनके बातें सुन के कभी कभी नया डिस्ट्रीब्यूटर को भी लगता है हमने कुछ गलती तो नहीं किया। ऐसे वायरस लोग अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्टर्ब करने के लिए मार्केट में इंतजार करते हैं। ये वायरस लोग ज़्यादा करके नया डिस्ट्रीब्यूटर को ही अटैक करते हैं। उसी प्रकार से जो रियल लाइफ में भी जो रियल वायरस है, जो अटैक उनका दुष्परिणाम ज़्यादा उन्हीं को भुगतना पड़ता है जो न्यू बॉर्न बाबा या बेबी या जिनका इम्यूनिटी लो हो, उसी प्रकार के लोगों को ही उस वायरस का दुष्परिणाम ज़्यादा भुगतना पड़ता है। उस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी जो लोग न्यू शुरुआत करते हैं, यानी नेटवर्क मार्केटिंग का न्यू बॉर्न चाइल्ड है, उनको ही ये वायरस सबसे पहले अटैक करते हैं और इस प्रकार के वायरस मार्केट में बहुत सारे घूम रहे हैं और इन वायरसों से हमारा न्यू जॉइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और बचाने के लिए उनको वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण देना जरूरी है। दोस्तों, अभी आपके मन में ये सवाल आया रहेगा, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का वैक्सीन और कैसे देना है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का वैक्सीन यानी आपके साथ में एसोसिएट होने वाला न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के फील्ड वर्क के दौरान उनको किस किस प्रकार का बातें सुनने को मिलेगा, कैसे प्रकार के लोगों को मिलना है उन्हें और किस किस प्रकार का चैलेंज का उनको सामना करना है, इन सारे बातों को आप उनको एडवांस में आपके सामने बिठा के फील्ड वर्क के पहले उनको समझा के उनको रेडी करवाते हैं, उसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वैक्सीनेशन। इस प्रकार से आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को जब रेडी करके फील्ड पे जब भेजते हैं, तब जाके उनको उस प्रकार का बातें सुनने के बाद में उनमें नाराजगी बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उनको पहले से आपने समझा दिया था आपको इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के वायरस, अलग अलग प्रकार के बहाने बातें सुनने को मिलेगा ही, इन बातों को सुन के उनको नाराजगी कम, हंसी आने का चांसेस ज़्यादा है। इसको कहते हैं यानी
बाद में होने वाले बातों को एडवांस में समझा के रेडी करना, उसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वैक्सीनेशन यानी एंटीवायरस प्रोटेक्शन। हमारा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर एडवांस में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रेजेंट योर बिजनेस विथ योर अपलाइन सपोर्ट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा लोग जो शुरुआत करते हैं तो मोटिवेशन से ही शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन से शुरुआत करने के बाद में हर एक अपलाइन उनको ये बात तो समझाते ही है, आपका बिजनेस की स्टार्टिंग टाइम में आपका बिजनेस का प्रेजेंटेशन के लिए हमारा सपोर्ट लीजिए। इस प्रकार से हर एक अपलाइन बोलते हैं आपका बिजनेस हमसे आप करके ले लो, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है ये बिजनेस आसान है, हम अकेले भी ये बिजनेस कर सकते हैं। तो वो अकेले लोगों को बताने के लिए जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में अलग अलग प्रकार की वायरस आपका इंतजार करते हैं, वो अलग अलग प्रकार का सवाल करते हैं, सवाल करके आपको डीमोटिवेट करते हैं और आपको नेगेटिव करते हैं। इसलिए स्टार्टिंग टाइम में आपको आपका अपलाइन का सपोर्ट से ये बिजनेस करना है। आपका अपलाइन आपके लिए एक एंटीवायरस का काम करते हैं, जो वायरस से आपको प्रोटेक्ट करके आपका बिजनेस का ग्रोथ के लिए आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए शुरुआत के दौर में आपका बिजनेस आपका अपलाइन का सपोर्ट से ही आपको करना जरूरी है। सेकंड पॉइंट है डिस्कस विद राइट पर्सन टू राइट सब्जेक्ट। हमें राइट पर्सन को चुनना पड़ेगा राइट सब्जेक्ट का डिस्कशन के लिए। फॉर एग्जांपल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम शुरुआत करने के बाद में हम डिस्कस करने के लिए ऐसे लोगों को चुनते हैं, इस बिजनेस में मैं काम करूं या नहीं, इस बिजनेस मेरे लिए है कि नहीं। तो हमारा रिलेटिव हमारा फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोगों को चुन लेते हैं तो उनको इस बिजनेस की जानकारी नहीं है। लेकिन मार्केट का सबसे बड़ा समस्या आज यही है, आज लोग जानकारी नहीं भी रहेगा तो भी मुझे मालूम नहीं है ये बताने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और किसी ने उनसे चर्चा करने के लिए आया उनको बिठा के वो गलत राय दे देते हैं, और गलत राय सुन के कभी कभी हम खुद नाराज हो जाते हैं। हमेशा एक चीज याद रखिए, कोई भी प्रोफेशन के बारे में डिस्कस आपको करना है उस प्रोफेशन का सक्सेसफुल लोगों से ही आप उस प्रोफेशन का डिस्कशन कीजिए, तब जाके आपको उस प्रोफेशन का 100% राइट जानकारी आपको मिलेगा। उस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में भी यहां पे आपका रिलेटिव को नेटवर्क मार्केटिंग का जानकारी नहीं रहेगा तो आपको सही जानकारी उनसे मिलेगा नहीं। आपका फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग रहेंगे तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग पता भी नहीं है, ऐसे लोगों से आप नेटवर्क मार्केटिंग का चर्चा करेंगे तो आप कभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल नहीं बन सकते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर भी नहीं सकते। इसलिए राइट डिस्कशन राइट लोगों से ही करना हमें जरूरी है। थर्ड पॉइंट है गेट रेडी टू फेस रिजेक्शन। हमें रिजेक्शन की सामना करने की तैयारी रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं है उस बिजनेस में रिजेक्शन ना हो। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल का दुकानदार अपना दुकान में लाखों करोड़ों की माल भर के डेली शटर ओपन करके खुद प्रसन्न रहता है, उस दुकान में बहुत सारे कस्टमर आते हैं, सबको डिटेल में जानकारी देने के बाद में सभी कस्टमर उस दुकान से मोबाइल खरीदी करते नहीं है, फिर भी सबको उनको जानकारी देना जरूर है। किसी का रिजेक्शन से वो कभी अपना दुकान बंद नहीं करते हैं। इस प्रकार से मार्केट में बहुत सारे मॉडल आपने को देखने को मिलेगा है। साड़ी का दुकान से लेके मोबाइल का दुकान से लेके टीवी का दुकान से लेके हर एक दुकान में यही हाल है, वहां पे रिजेक्शन का सामना उनको करना ही पड़ते हैं। उस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। रिजेक्शन को फेस करते हुए आपको आगे बढ़ना है, तब जाके आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस मिलेगा। इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन की सामना करने की एक मजबूत तैयारी हमेशा रखना बहुत जरूरी है। ये सभी बातों को आपका न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस में समझा के यानी वैक्सीनेशन दे के डेली काम करने की आदत सिखा के उनको मार्केट में छोड़ देंगे, तब वो कोई भी वायरस से डरेंगे नहीं, वो हर वायरस का सामना खुद करके अपने अंदर वो काबिलियत को डेवलप करके इंडिपेंडेंट बन के अपना सक्सेस का खुद वजह बन सकते हैं। फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में बाद में फील्ड वर्क में होने वाले बातों को एडवांस में पता के उनको फील्ड वर्क के लिए रेडी करना, इसको कहते हैं वैक्सीनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। उस प्रकार से वायरस से लड़ने के लिए एंटीवायरस प्रोटेक्शन देके उनको तैयार करवाना, यही हमारा मकसद होना चाहिए।
तैयार हो जाओ फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग वायरस से लड़ने के लिए। आप और हम मिलके एक मजबूत एंटीवायरस नेटवर्क मार्केटिंग फोर्स बनाने की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स सेव लाइफ चैनल एक ऑनलाइन एजुकेशनल मोटिवेशनल सपोर्टिंग सिस्टम है। आपको हमारे साथ में एसोसिएट रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका सपोर्ट लाइक और शेयर के माध्यम से देते रहिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक में क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।